हेलो बच्चों, दिस इज विक्रम कुमार, फाउंडर ऑफ आर्या गेट .com। तो हम लोग वेक्टर कैलकुलस का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे बना रहे हैं। तो वेक्टर कैलकुलस को बेसिकली जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेक्टर डिफरेंशियल और एक होता है वेक्टर इंटीग्रल। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग तीनों देखेंगे, बेसिक्स, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस को जो है सेवन पार्ट में डिवाइड किए हैं। सेवन पार्ट में जो है फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे किसी भी वेक्टर को जो है हम थ्री पार्ट में डिवाइड किए हैं, उसमें क्या कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद लेक्चर टू में बेसिक्स ऑफ वेक्टर एनालिसिस रहेगा। लेक्चर थ्री में बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है उसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट लेवल के एग्जाम्स के व्यू से। उसके बाद ग्रेडियंट क्या होता है लेक्चर नंबर फोर में देखेंगे। लेक्चर फाइव में डाइवर्सन देखेंगे। लेक्चर सिक्स में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और उसके बाद जो है लेक्चर सेवन में कर्ल देखेंगे। क्लियर है? तो ये सब जो है हम लोग लेक्चर सेवन पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। अब जो है हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है हम लोग देखते हैं किसी भी वेक्टर को जो है हम लोग तीन पार्ट में जो डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि यह जो है हमारा वेक्टर, तो इसको जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो है क्या करते हैं इसको, बेसिक्स। यह क्या हो गया हम लोग का बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स पार्ट हो गया। एक हो गया हमारा वेक्टर डिफरेंशियल, यह हो गया वेक्टर डिफरेंशियल, वेक्टर डिफरेंशियल। फिर उसके बाद जो है हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशियल और बेसिक्स। ये जो है हम लोग जो है इस वेक्टर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग वेक्टर डिफरेंशियल देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें ग्रेडियंट हो जाता है हम लोग का। फिर उसके बाद जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस हो जाता है। तो कैलकुलेशन के लिए जो बेसिकली जो है हम लोग यूज करते हैं टूल्स, कैलकुलेशन के लिए डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेडियंट, फिर उसके बाद जो है कर्ल, कर्ल, फिर उसके बाद जो है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये सब जो है हमारे देखेंगे हम लोग जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग डिफरेंशियल में। क्लियर है? अब देखिए, तो वेक्टर इंटीग्रल में क्या देखते हैं, इसमें जो एल एस भी लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल में वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल में जो होता है सिंगल इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल में जो होता है ट्रिपल इंटीग्रल होता है। क्लियर है? यह जो है इसमें जो है हम लोग ग्रीन्स थ्योरम और उसके बाद स्टोक थ्योरम और उसके बाद जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब चीज़ें जो है हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? अब जो है हम लोग लेक्चर टू में जो है हम लोग बेसिक्स पार्ट देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बेसिक्स पार्ट देखेंगे। तो प्लीज उसको देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।